हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम साइंस की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एमसीक्यू ऑन लेंस एंड मिरर। इसके पहले मैंने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। आपको पूरी एमसीक्यू सीरीज़ हमारी परचम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी एमसीक्यू सीरीज़ को देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक में भी अवेलेबल है, तो जो भी स्टूडेंट या उनके छोटे भाई बहन क्लास 10th में है तो वो लोग भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, आपके स्टेट एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके रेलवे एग्ज़ाम हो, सभी में ये टॉपिक आता है एमसीक्यू लेंस और मिरर से। तो यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल भी लिए हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप यहाँ से हैंड रिटन नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो परचम की वेबसाइट पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे लेंस और मिरर के बारे में। इसके बाद हम लाइट वेव और साउंड वेव के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर ह्यूमन आई और ईयर के बारे में जो एमसीक्यू बनते हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें मिरर और लेंस के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले अगर मैं मिरर की बात करती हूँ, आपने अपने घरों में मिरर ज़रूर देखा होगा। कोई भी मिरर होता है उस पर पीछे ना सिल्वर की कोटिंग की जाती है और उसके बाद उस पर एक डार्क कलर का पेंट कर दिया जाता है। मिरर से जब कोई लाइट टकराती है तो उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। और लाइट टकराने के बाद वापस लौट कर आती है जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो ये जो मिरर का कॉन्सेप्ट होता है ये रिफ्लेक्शन पे काम करता है। मिरर किस पे काम करता है? मिरर रिफ्लेक्शन पे काम करता है। अगर हिंदी में बात करती हूँ मैं तो मिरर जो है वो परावर्तन की घटना पर आधारित है। मिरर जो होते हैं वो परावर्तन की घटना पे आधारित होते हैं, रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मिरर के बारे में कुछ खास बातें होती हैं। क्या क्या बातें होती हैं? मान लेते हैं ये कोई मिरर है और इस मिरर के सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है। अब ये पर्सन अपनी इमेज को देख रहा है मिरर में, तो वो पर्सन जितनी हाइट का होगा उतनी ही हाइट की इमेज का फॉर्मेशन होगा। जितने डिस्टेंस पे पर्सन खड़ा होगा उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जितनी हाइट का व्यक्ति है उतनी ही हाइट की इमेज बनेगी। जितनी दूरी पे व्यक्ति खड़ा हुआ है उतनी दूरी पे ही इमेज बनेगी। आप लोग मिरर के सामने खड़े हुए होंगे और मिरर में आपकी फोटो कैसे दिखती है? आपकी इमेज सीधी दिखती है। तो मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इरेक्ट इमेज होती है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज का फॉर्मेशन होता है। सर की जगह सर दिखेगा, पैर की जगह पैर दिखेगा, सिंपल सा। लेकिन एक चीज़ और होती है, वर्चुअली या वर्टिकली इन्वर्टेड। वर्टिकली इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। वर्टिकली इन्वर्टेड इमेज का क्या मतलब हो गया कि लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो मिरर के बारे में आपने क्या चीज़ें सीख ली? मिरर के बारे में आपने चीज़ें सीखी कि मिरर रिफ्लेक्शन पे काम करता है। मिरर में जितनी बड़ी फोटो होती है, जितना बड़ा व्यक्ति होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उतना ही बड़ी इमेज बनती है। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज हमेशा सीधी बनती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल रट लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि सीधी इमेज कभी भी रियल नहीं होती। सीधी इमेज कभी भी रियल नहीं होती, ठीक है? तो सीधी इमेज रियल नहीं होती मतलब सीधी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, ठीक है? तो आपको क्या याद रखना है कि सीधी इमेज जो होती है वो आभासी होती है। जहाँ भी आपको सीधा प्रतिबिंब मिलेगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा, और जहाँ पर भी आपको उल्टी इमेज मिलेगी तो वो आपकी रियल इमेज होगी। क्लियर? तो उल्टा रियल होता है और सीधा वर्चुअल होता है। इस बात को याद रखेंगे। बस इतना बात अगर आपने दिमाग में डाल ली तो आपको ये लेंस और मिरर के इमेज फॉर्मेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ पाएंगे। तो इमेज हमने देखी है, मिरर में कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है। क्लियर है? नेक्स्ट है लेंस। चलो अब लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेंस जो होते हैं उनसे तो लाइट आर पार निकल जाती है, क्योंकि लेंस तो ट्रांसपेरेंट होते हैं। और जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आर पार निकल रही है तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो रिफ्रैक्शन का लगता है। क्या लगता है? रिफ्रैक्शन, जिसको हम अपवर्तन की घटना कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? अपवर्तन की घटना कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि लेंस रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन पे काम करते हैं, जबकि मिरर रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है ना? अब लेंस में भी आपको कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस मिलेंगे, उनकी अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन होगा। अभी आगे हम इसको समझेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलो अब पहला एमसीक्यू हम देखते हैं। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, कॉनकेव मिरर के केस में इमेज कैसी बनती है? तो कॉनकेव,
केव मतलब हो गई गुफा, तो इस तरीके से गुफा जैसा मिरर, ये मिरर है, इसके पीछे पेंट कर दिया इस तरीके से। जो ये मिरर होता है ये आपका कॉनकेव मिरर होता है। देखो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होंगे इनका नाम आपको इंग्लिश में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इंग्लिश नाम ही पूछ लिया जाता है। तो कॉनकेव मिरर को हम अवतल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव मिरर को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है, और जिसका सरफेस उठा हुआ होता है, जिसका सरफेस उठा हुआ होता है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, जिसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके है इतनी चीजें। तो कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कॉनकेव इमेज, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। हो सकता है ऑब्जेक्ट बहुत दूर मतलब इनफाइनाइट पे रखा हो सकता है ऑब्जेक्ट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो सकता है ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो सकता है ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं रखा हो। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है उसके हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, कोई भी मिरर है, मान लेते मेरे पास कोई फुटबॉल थी, मान लेते मेरे पास एक कोई फुटबॉल थी और इस फुटबॉल के बीच से मैंने दो टुकड़े कर दिए, एक हिस्सा ये मिला और दूसरा हिस्सा ये मिला, इसी से मैंने मिरर बना लिए, एक उठा हुआ बना लिया मैंने इस तरीके से, देखिएगा ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बना लिया मैंने, और दूसरा इस तरीके से केव जैसा मिरर बना लिया जिसको मैंने कॉनकेव मिरर कह दिया, अवतल और उत्तल दर्पण कह दिया। तो ये जो फुटबॉल थी मतलब ये जो मिरर बना है इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव मतलब पोल कहते हैं, ठीक है। इस पोल से आपने एक लाइन खींच दी, ये जो लाइन है ये आपकी मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। अब पहले तो ये फुटबॉल था, कोई भी सर्कल होता है तो उसका एक क्या होता है, सेंटर होता है, तो वैसे ये फुटबॉल का एक सेंटर रहा होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो पी से सी तक का डिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे पीसी, पीसी यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, पीसी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, पीसी क्या कहलाएगी यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। बात क्लियर हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं यहाँ पे पीसी का आधा कर दूँ, पीसी का जो मिड पॉइंट होगा ना, पीसी का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम फोकस कहेंगे, पीसी का जो मिड पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, और पी से एफ तक के डिस्टेंस को हम फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, फोकल लेंथ। तो आपने एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि अगर पीसी को आधा कर दो तो पीएफ निकल जाता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर हाफ कर दिया जाए तो फोकल लेंथ निकल जाती है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है और फोकल लेंथ पूछी गई है तो कुछ नहीं करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को आधा कर दीजिएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पोल क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। अब इमेज का फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे वापस से आ जाते हैं। तो देखिएगा ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। तो हो सकता है ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा होगा उसके हिसाब से ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। हो सकता है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो सकता है ऑब्जेक्ट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, हो सकता है ऑब्जेक्ट फोकस पे है, हो सकता है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच में है, हो सकता है ऑब्जेक्ट कर्वेचर और फोकस के बीच में है, मे बी पॉसिबल। जैसा आपने ऊपर लिखा है इसी का अपोजिट आप नीचे लिख दीजिए, बस हो गया पिक्चर तैयार। क्या तैयार हो गया, समझिएगा आप। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बनेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर हालांकि मैंने लिस्ट भी दे दी है कि प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको इमेज कैसी बनेगी।
तो इसको भी अगर आप पढ़ लेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और इस डायग्राम से जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इमेज आपको कहाँ पर बनेगी ये आपको पता चल गया है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो आप तुरंत बता देंगे कि इनफाइनाइट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, ठीक है? तो देखिएगा, फोकस होता है छोटा और इनफाइनाइट होता है बड़ा। फोकस होता है छोटा और इनफाइनाइट होता है बड़ा, तो फोकस पे जो इमेज बनेगी वो छोटी इमेज बनेगी। छोटी इमेज मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। यहाँ पर सी और सी बराबर है मतलब कर्वेचर पे आपको इक्वल इमेज मिलेगी, और इनफाइनाइट होता है बड़ा तो यहाँ पर आपको इनलार्ज इमेज बनेगी। तो देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, तो इमेज फोकस पे बनेगी और छोटी इमेज बनेगी। इमेज छोटी बनेगी और फोकस पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी और कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और कैसी बनेगी, इक्वल बनेगी। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो आप इस डायग्राम से सारी चीज़ों को निकाल लेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया। अब इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में आपको जो इमेज मिलती हैं वो ऑलमोस्ट सारे केसेस में जो इमेज बनती हैं वो उल्टी इमेज बनती हैं। उल्टी इमेज मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड इमेज। और मैंने आपको सिखाया है कि इन्वर्टेड इमेज तो रियल होती हैं, उल्टी इमेज कैसी होती हैं, रियल इमेज होती हैं। तो कॉनकेव मिरर में आपने देखा कि इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, और डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। तो देख लीजिएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की मेथड? तो आप इसको याद रख लीजिएगा, बड़ा आसान है, आप कर लेंगे। अब कॉनकेव मिरर के केसेस अगर हम देखते हैं कि यूज़ कहाँ है, तो जहाँ भी आपको किसी भी पिक्चर को इनलार्ज करके या बड़ा करके देखने की ज़रूरत है वहाँ पर आप कॉनकेव मिरर को उठा लीजिएगा। मैंने क्या कहा, जहाँ भी आपको अपनी फ़ोटो को, अपनी इमेज को इनलार्ज करके देखना है, बड़ा करके देखना है, तो आप कॉनकेव मिरर का सहारा लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्ल्स हैं, लड़कियों को मेकअप करना है, आईलाइनर लगाना है, तो भाई बड़ा इमेज चाहिए ना, तो आप कॉनकेव मिरर यूज़ कर लीजिए। शेविंग मिरर कॉनकेव मिरर होता है, मेकअप मिरर कॉनकेव मिरर होता है, डेंटिस्ट मिरर जो है वो कॉनकेव मिरर होता है, सैटेलाइट डिश तो ये भी आपके कॉनकेव मिरर, हेडलाइट ऑफ कार ये भी आपके कॉनकेव मिरर होते हैं। बात समझ में आई? तो जहाँ भी आपको किसी चीज़ को इनलार्ज करना है आप वहाँ पर कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे, ठीक है? इतनी चीज़ें हमको क्लियर हो चुकी हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। इसके अलावा कॉनकेव मिरर के बारे में एक और ख़ास बात मैं आपको सिखा देती हूँ। ये मान लेते हैं हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, लाइट आ रही है, लाइट आएगी, लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे इकट्ठी होगी उसे हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है कि लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लेता है, तो इकट्ठा करने की जो प्रोसेस होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग। तो आपने एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है, क्योंकि लाइट को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, और जिस पॉइंट पर लाइट इकट्ठी होती है उस पॉइंट को हम फोकस कह देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू इंक्रीज द मैग्नीफाई पावर ऑफ टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ, अब यहाँ पे मैग्नीफाई पावर ऑफ टेलीस्कोप जो है उसको इंक्रीज करना है। तो देखिए, अगर हम मैग्नीफाई पावर की बात करते हैं तो m इज इक्वल टू होता है एफ नॉट अपॉन एफ ई। एफ ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, और e क्या है आपका, आई। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे आँखों का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ के बारे में बात हो रही है, और m क्या है, मैग्नीफाई पावर है टेलीस्कोप की। तो पूछा है कि अगर हमें m को इंक्रीज करना है तो हमें
क्या करना पड़ेगा। तो एम को इंक्रीज करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ेगी और आई लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कहीं कोई मैच हो रहा है? हाँ, अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे तो आई पीस लेंथ शुड बी डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई, जहाँ एफ ओ क्या है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है और एफ ई क्या है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस है। तो मैग्नीफाई पावर को इंक्रीज करने के लिए ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा और आई का फोकल लेंथ डिक्रीज करना पड़ेगा। वॉट इज द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस? कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है? आइए अब हम थोड़ी सी बातें लेंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास दो प्रकार के लेंस हैं, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का ये जो लेंस है इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम उत्तल लेंस कहते हैं, और कुछ इस तरीके से दोनों तरफ जो केव वाला लेंस है इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, मतलब हम इसे अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कॉन्वेक्स लेंस की खास बात क्या है, लाइट इसमें आती है। अब लाइट तो आर पार निकल जाएगी क्योंकि लेंस है, और लाइट एक पॉइंट पे जाके इकट्ठी हो जाती है। जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती है ऑब्वियसली उसे हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, लाइट को इकट्ठा किया। तो कॉन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को आप क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है। तो मैं आपको बता दूं हमारी आंखों में जो लेंस है ना वो भी कॉन्वेक्स लेंस है, वो भी लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है। और हमारी आंखों का जो कॉन्वेक्स लेंस है जिस पॉइंट पे लाइट को इकट्ठा कर रहा है ना उसको हम रेटिना कहते हैं। यही तो कारण है कि रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई? तो कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस आने वाली लाइट को इकट्ठा करते हैं, इसलिए इनको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस से जब लाइट गुजरती है, पास होती है, तो ये लाइट को फैला देता है। लाइट को क्या कर देता है, ये फैला देता है। फैला देने का मतलब क्या कर देता है, ये डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कॉनकेव लेंस आपके डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, ये लाइट को फैला देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं इनकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा और हमेशा नेगेटिव होती है। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों को चश्मे लगे होते हैं, और जब चश्मे लगे होते हैं तो पूछा जाता है उनसे आपकी लेंस का पावर क्या है। लेंस की पावर को आप डाईऑप्टर में मेज़र करते हैं। लेंस की पावर को हम किस में मेज़र करते हैं, डाईऑप्टर में मेज़र करते हैं, ठीक है। लेंस की पावर जो है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अगर पॉजिटिव है मतलब आपने अपनी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस पहना हुआ है, उत्तल लेंस आपने पहना हुआ है। अगर लेंस की पावर नेगेटिव है मतलब आपने अपनी आंखों में कॉनकेव लेंस पहना हुआ है, अवतल लेंस को पहना हुआ है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है, तो कॉनकेव लेंस की पावर क्या होगी, नेगेटिव पावर होती है। डन हो गया इतनी चीज़ें, आगे बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर डायग्राम में भी कन्वर्जिंग वाला फॉर्मूला आपको बताया है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ग्लास आर लेंस आर यूज टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेड आई डिफेक्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है मायोपिया के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष के बारे में बात की जा रही है कि मायोपिया को दूर करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। अब इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिएगा हमारी आँखों में कई प्रकार की डिफिशियंसी हो जाती हैं, मेनली हम बात करने वाले हैं मायोपिया और हाइप्रोपिया के बारे में, मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि मतलब पास का तो आपको सब कुछ क्लियर है, लेकिन रिमेनिंग जो है वो दोष है, मतलब दूर की चीज़ें देखने में आपको दिक्कत है। तो मायोपिया में आपको पास की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती, तो वो कहलाता है मायोपिया। और मायोपिया के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, तो मायोपिया के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डायग्राम से समझिएगा, हमारी आंखों में ये लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस है हमारी आंखों में, तो हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस है। लाइट आती है और कन्वर्ज होकर रेटिना पे इकट्ठी होती है। जहाँ लाइट इकट्ठी होती है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है।
इन केस ऑफ मायोपिया तो ये जो लाइट का कन्वर्जन हो रहा है ना, वो रेटिना के पहले ही हो जाता है, रेटिना के पहले ही लाइट कन्वर्ज हो जाती है, इसे हम मायोपिया कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि लाइट का कन्वर्जन यहाँ पर ना हो, कि लाइट का कन्वर्जन कहाँ हो, रेटिना पे हो, इसलिए हम यहाँ पर एक लेंस लगा देते हैं जिसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, और कॉनकेव लेंस मायोपिया को दूर कर देता है, निकट दृष्टि दोष को दूर कर देता है। इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, तो देखिए इमेज का मतलब जो कन्वर्जन हो रहा है रेटिना पे ना हो के रेटिना के बाहर कन्वर्जन हो रहा है, हम चाहते हैं कि रेटिना पे ही कन्वर्जन हो, तो उस केस में हम एक और कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर लगा देते हैं, एक और उत्तल लेंस हम यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष की प्रॉब्लम दूर हो सके। बात समझ में आ रही है? दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि मायोपिया के केस में आप कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, तो मायोपिया के केस में हम कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। अब हमेशा जब मैं पढ़ती थी तो बहुत कंफ्यूजन होता था यार, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस है। तो मैंने एक ट्रिक लगा लिया। मैंने क्या ट्रिक लगा लिया, मैंने देखा कि निकट और एक हो गया दूर, ठीक है ना। निकट में तीन शब्द हैं, ज़्यादा शब्द हैं, और अवतल में भी तीन ज़्यादा शब्द हैं, जबकि दूर छोटा है और उत्तल में तीन लेटर हैं। तो छोटा वाला छोटे लेटर, कम लेटर, बड़ा वाला ज़्यादा लेटर, इस तरीके से मैंने याद किया था और आज तक वो मेरे दिमाग में है। तो आप लोग भी शायद इस तरीके से याद करो, तो कभी भूलो नहीं कि निकट में अवतल लेंस और दूर में उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है। इन प्रोजेक्टर विच लेंस आर यूज, प्रोजेक्टर में कौन सा लेंस यूज़ होता है, मैं आपको बता दूं, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोजेक्टर, बाइनोकुलर मतलब आपकी दूरबीन, कैमरा है ना, इन सभी चीज़ों में आपको कॉन्वेक्स लेंस देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का एक दूसरा नाम भी होता है, इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। आप लोग ने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ किया होगा, है ना, स्केल वगैरह में भी साइड में कई बार लगे हुए आते थे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, प्रोजेक्टर में, कैमरा में, बाइनोकुलर में, इन सभी में आपको कॉन्वेक्स लेंस देखने को मिलेगा। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन एंटी शॉप लिफ्टिंग डिवाइस। अब ये एंटी शॉप लिफ्टिंग डिवाइस क्या होता है, चलो इसको इतना टफ वर्ड हम नहीं देखते हैं, हम हल्के और छोटे शब्दों में बात करते हैं। आप लोगों ने कभी हाईवे पे या फिर किसी हिली पोर्शन में आपने ट्रेवल किया होगा, और जब टर्न होती है तो टर्न में एक बड़ा सा ऐसा मिरर लगा हुआ होता है जिसमें इमेजेस मिलती हैं, दिखाई देता है कि टर्न, जिससे एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके, है कि नहीं। तो वो कौन से मिरर होते हैं, तो वहाँ पर आप कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिएगा, हमारे गाड़ियों में भी जो साइड मिरर होते हैं वो भी कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये आने वाली जो लाइट होती है ना, इस लाइट को फैला देता है। मतलब एक डाइवर्जिंग मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है आपका, डाइवर्जिंग मिरर होता है, लाइट को फैला देता है। जब ये लाइट को फैला देता है तो आप ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर कर पाते हो, ज़्यादा दूरी तक देख पाते हो। और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बनती है ना, वो बहुत छोटी छोटी सी इमेज बनती हैं। आपने देखा होगा, आप स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, पीछे से कोई भारी भरकम ट्रक आ रहा हो, तो उसकी इमेज आपके मिरर में बनती है, लेकिन वो इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है। क्योंकि हम अपनी गाड़ियों में जो साइड व्यू देखने के लिए मिरर यूज़ करते हैं ना, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो मिरर टर्निंग पॉइंट्स पे लगे हुए होते हैं, ये भी आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। अच्छा, जिन लोगों को भारी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो उनके लिए एक छोटी सी टेक्निक है, वो समझ लो। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, सिमिलर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, इनके नेचर सेम होते हैं। मतलब जैसे कि कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस भी आपने देखा कि लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा था। कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्स करता है, वैसे ही कॉनकेव लेंस जो है वो लाइट को डाइवर्स करता है। तो अपोजिट पेयर आप याद रखोगे, इनका नेचर एक सा रहता है, अपोजिट पेयर का नेचर एक सा है। नेक्स्ट है, सपोज
यू आर स्टैंडिंग 1 meter इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. आप प्लेन मिरर से 1 meter की दूरी पर खड़े हुए हैं. What should be the minimum vertical size of the mirror so that you can see your full image? तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर फुल इमेज आपको अपने मिरर में देखनी है तो मिरर का साइज आपकी साइज का आधा होना चाहिए. बस इतनी ही बात है. तो आपकी साइज का आधा यहाँ पे मिरर की साइज होना चाहिए, हाफ ऑफ योर हाइट. ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, अ स्फेरिकल एयर बबल इज एम्बेडेड इन पीस ऑफ ग्लास. फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द बबल इट बिहेव लाइक का. तो एक स्फेरिकल एयर बबल है जो कि पीस ऑफ ग्लास के साथ अटैच है. जब उसके साथ लाइट पास होती है तो वो जो बबल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा. तो यहाँ पे बबल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो कॉनवेक्स लेंस की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, इसका नेचर चेंज हो जाता है. इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर जो है वो लाइट को डाइवर्ट करने का होता है. मतलब ये कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है. बात समझ में आ गई इतनी? चलो हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं. ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है. एयर और वाटर दो अलग अलग मीडियम है इस केस में. तो यहाँ पे लाइट जब नेचर चेंज हो रहा है ना, तो नेचर चेंज होने के कारण जो हमारा बबल है उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा. ये कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेंस की तरह, मतलब डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा. नेक्स्ट है, पेरिस्कोप में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? तो पेरिस्कोप में हम प्लेन मिरर यूज़ करते हैं. ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा. पेरिस्कोप एक डिवाइस होता है, जैसे कि समुद्र की सरफेस पे कोई जहाज चल रही है, कोई शिप चल रही है और आप सबमरीन में बैठे हुए हैं और आपको समुद्र की सरफेस को देखना है, तो इस तरीके का एक डिवाइस यूज़ किया जाता है. अगर आपने गाजी अटैक वगैरह मूवी देखी हो तो उसमें इस तरीके के डिवाइस को यूज़ करते हुए दिखाया है. यही आपका पेरिस्कोप होता है जो कि प्लेन मिरर पे बेस्ड होता है. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस इफ़ द फार पॉइंट ऑफ द शॉर्ट साइटेड आई इज 200 सेंटीमीटर. यहाँ पे शॉर्ट साइटेड आई मतलब मायोपिया की बात हो रही है. मायोपिया की बात हो रही है मतलब कॉनकेव लेंस की बात हो रही है. मतलब आंसर तो नेगेटिव में आएगा. तो पॉजिटिव वाले तो पहले ही एलिमिनेट कर दो. अब बस ऑप्शन ए और डी बचा हुआ है. ठीक है, अब फोकल लेंथ. पावर इज इक्वल टू 1/f होता है. पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है. f कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर. इस 200 सेंटीमीटर को क्या मैं 2 मीटर लिख सकती हूँ? क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो p इज इक्वल टू 1/2 मतलब -0.5 डायोप्टर पावर हो जाएगी. ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, देखिए आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे सॉल्व भी किया है. 200 सेंटीमीटर को आपने पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, -2 क्योंकि ये कॉनकेव लेंस का केस है पहली चीज़. फिर 1/-2 तो -0.5 डायोप्टर यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो कि पावर हो जाएगी आपके लेंस की. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज. प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो रेडियस किसी भी गोलाकार चीज़ की रेडियस होती है. जो चीज़ सर्कल में है, स्फेरिकल है, उनकी रेडियस होती है. प्लेन मिरर तो फ्लैट होता है, इसकी तो रेडियस होगी ही नहीं. तो रेडियस क्या होगी इसकी? इनफाइनाइट होगी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है ह्यूमन आई. ह्यूमन आई आपको पता है कि एक लेंस की तरह काम करता है. और ह्यूमन आई कौन सा लेंस है? ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह है और जिसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है. पूछा जा रहा है कि कैसी इमेज बनती है, तो आइए हम देखते हैं कि ह्यूमन आई में कैसी इमेज बनती है. देखते हैं, ये देखिए ह्यूमन आई है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट आ रही है, कॉन्वेक्स मिरर से पास होगी. ये मिरर क्या करेगा? लाइट को कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करके कहाँ इकट्ठा करेगा? रेटिना में करेगा और रेटिना पे इमेज की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सच में आपके सामने रखा है तभी तो आपको इमेज दिख रही है. मतलब ऑब्जेक्ट रियल में है तो रियल इमेज तो होगी ही. और आपको पता है कि रियल इमेज कभी भी सीधी नहीं होती. रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है. तो रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी. अब रेटिना इतना बड़ा तो है नहीं है हमारा कि इतनी बड़ी इमेज बने. तो इमेज कैसी बनती है? डिमिनिश्ड इमेज बनती है, छोटी इमेज बनती है. तो रेटिना पे कैसी इमेज बनेगी? रेटिना पे छोटी इमेज बनेगी. वास्तविक मतलब रियल इमेज बनेगी और
इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी। जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्वर्टेड रियल इमेज बनेगी रेटिना पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज क्रिएटेड बाय द कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती हैं? तो कॉनकेव लेंस में वैसे ही इमेज बनती हैं जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में बनती हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का आपको पिक्चर याद आ रहा होगा कि हमारे गाड़ियों में जो साइड मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, और उनमें कैसी पिक्चर बनती है? तो छोटी पिक्चर बनती है, जैसे पीछे से आते हुए ट्रक को भी देख सके, कोई ऑटो आ रहा है तो उसको भी देख सके, तो छोटी इमेज बनती है। तो ये बात तो सही है कि स्मॉल इमेज बनती है, ओके है। अच्छा, इमेज कैसे दिखती है आपको? ट्रक क्या सीधा दिखता है या उल्टा दिखता है? तो ट्रक तो हमको सीधा दिखता है, मतलब सीधी और छोटी इमेज कॉन्वेक्स मिरर में बन रही है, और जो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज है वो कॉनकेव लेंस की होंगी। मैंने आपको अपोजिट पेयर याद करवाए हैं, तो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अपराइट एंड स्मॉलर इमेज कॉनकेव लेंस की इमेज होंगी। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस पे हमेशा और हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है सीधा, और छोटा प्रतिबिंब कॉनकेव लेंस में बनता है, ओके है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ टू मिरर प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर। दो प्लेन मिरर हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखे हुए हैं। बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और पूछा गया है कितनी इमेज का फॉर्मेशन होगा। आप जब चेंजिंग रूम वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको मल्टीपल इमेजेस के फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो मिरर भी किसी एंगल पे रखे हुए हैं। तो कोई भी एंगल दिया हो, ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 360/θ-1, ये बताता है कि कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी। तो 360 तो ठीक है, एंगल कितना है 90 डिग्री है, माइनस वन, तो 4-1 मतलब 3, तीन इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन अ व्यू फाइंडिंग मिरर ऑफ व्हीकल्स। तो रियर व्यू मिरर या फिर जो साइड मिरर है उसमें कौन सा मिरर यूज हो रहा है? तो पता है हमको कॉन्वेक्स मिरर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अ फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। अब एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उसको हमें मिरर में देखना है। हमें पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल साइज में आपको देखना है तो मिरर की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा रखना पड़ेगा। मतलब अगर बिल्डिंग आपकी 100 मीटर की है तो क्या आप 50 मीटर का मिरर लेके आओगे? ये तो नहीं पॉसिबल है प्लेन मिरर के केस में। तो हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, आपको फुल साइज़ की इमेज दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसमें आपको पूरी बिल्डिंग की इमेज दिखाई देगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन कॉन्वेक्स लेंस इट। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है लाइट के साथ? तो लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, मतलब इसे कन्वर्ज कर देता है, तभी तो हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? बिल्कुल हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि कॉनकेव मिरर की मैंने बात की थी कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है उस हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उसके हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो एग्जाम में कॉनकेव मिरर से क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से क्वेश्चन नहीं बनते। फिर भी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है कि जनरली रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनती है कॉन्वेक्स लेंस में। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज। अब कोई भी केस है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज फोकस पे बनेगी, तो एट फोकस, ऑप्शन ए खत्म हो गया। ये तो देखिए, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी आपकी फोकस पे। इमेज कैसी बनेगी? बहुत ही छोटी बनेगी, वर्चुअल और सीधी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, What is the minimum distance between the convex lens and the object to produce our real image? तो real image को produce करने के लिए convex lens और object के बीच में कितना distance होना चाहिए? 0F, 2F या 4F? जो भी आपका आंसर होगा आप comment section में दीजिएगा। और आप आंसर करने के लिए ये एक मैंने इमेज दिखाई थी, इस इमेज का सहारा ले सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसी इमेज चाहिए। ठीक है, तो इस पिक्चर का सहारा लेते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले एमसीक्यू सीरीज के साथ. बाय बाय.